बलिया जिले के बलेहरी ब्लॉक के नीरूपुर गांव में रहने वाले रेलवे के रिटायर्ड अफसर अपने गांव बलिया में कई बीघे जमीन में बगीचा लगाए हुए हैं, जिसमें लीची की 200 से अधिक पेड़ हैं, आम के भी 200 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। बता दें, इस समय स्वाद के राजा लीची की पैदावार उनके बगीचे में बहुतायत मात्रा में हुई है और इस समय इस बगीचे के मालिक बेहतर क्वालिटी के साथ मार्केट में सप्लाई देने लगे हैं। वहीं इस बगीचे के मालिक राजा शंकर तिवारी का कहना है कि शुद्ध प्रकृति के साथ साथ इस लीची और आम के बगीचे से मैं लोगों को रोजगार देता हूं। गांव में कई लोग ऐसे हैं जो इस बगीचे में आकर काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। इस बगीचे से वातावरण भी शुद्ध होता है, साथ ही साथ लीची को बाजार में बेचकर इनकम हो जाती है और बगीचे में काम कर रहे लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। आपको बता दें, कहीं न कहीं इस बेहतर और सुंदर बगीचे में लगे फलों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। वहीं बगीचे के मालिक ने आगे बताया कि अब हमारे बगीचे के लीची के फल को विदेश भेजने की तैयारी चल रही है, जल्द ही वह भी सपना पूरा होगा। जी, मेरा नाम राजा शंकर तिवारी, निवासी नीरूपुर ग्राम बलहरी ब्लॉक के अंतर्गत जनपद बलिया, तहसील बलिया का हूँ। क्या मामला है सर? आप ऐसा भी सुना गया कि आप प्रगतिशील किसान हैं और एक लीची और आम का तमाम सीजनी फल का आप एक बगीचा लगाया है। हाँ जी, मैं वैसे रेलवे के सर्विस में था, असिस्टेंट कमांडेंट RPS में मैं रिटायर हुआ April 2013 में, और अपनी नौकरी में भी अपने जवानों को स्टाफ को बगीचा पेड़ लगाने के लिए मैं प्रोत्साहित करते आ रहा था। ये हकीकत है कि एक पेड़ अपनी लाइफ में 90 लाख का आउटपुट देता है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड को सूखना, ऑक्सीजन देना, लकड़ी देना, फल देना देता है, जिसकी मैन्यू वैल्यू लगभग 90 लाख होती है। इससे मैं प्रेरित होकर बगीचा लगाने की मेरी धारणा बनी कि प्रकृति के संरक्षण में कुछ सहयोग कर सकूँ। April 2005 में मैंने लीची का और आम का बगीचा लगाया, जिसमें कि 4-5 बीघे में मेरा आम के 200 पेड़ हैं और लीची का करीब 4.5 बीघे में 230 पेड़ हैं, जो कि 2011-12 तक फल दे रहे हैं। पहले मेरे पास व्यवसायी लोकल आते थे, मार्केट नहीं मिलता था। इस साल हमको छपरा का एक व्यवसायी मिला, जिनका नाम मनोज कुमार है। ये पिछले 5-6 साल से दिल्ली, मुंबई और नासिक में आम, लीची और सब्जी, मौसमी सब्जियों को भेजने का करते रहे हैं। संपर्क हुआ तो इस साल हमारे बगीचा लिए, और बताना चाहूँगा, मेरे खुशी हो रही है कि रवि की फसल कटाई लगाई हो जाने के बाद गांव के जो औरतें या बच्चे हैं जिनके पास कोई रोजगार काम नहीं रहता, राजमिस्त्री मजदूर के अलावा खेती बाड़ी के जो मजदूर बैठ जाते हैं, उसमें आज हमारे बगीचे में 30-35 आदमी और उसके बच्चे मजदूर हैं, उनको रोजगार पिछले 5 दिन से मिला हुआ है। अभी लीची हमारी करीबन 24-25 रखेगी, इनके रोजगार भी इनको मिला हुआ है। सर, जिस तरीके से यूपी सरकार और केंद्र सरकार, यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार किसानों को प्रोत्साहित करती है एक बगीचा लगाने के लिए, स्वरोजगार के लिए, और उस तरीके से आप जो है इतना बड़ा बगीचा लगाएं, क्या सरकार से भी कोई मदद मिलता है? जी, सरकार से मेरे मदद मिला कि जैसे मैंने ड्रिप इरिगेशन लगाया, उसमें सरकार ने हमारी मदद की, उसमें अनुदान दिया था। अभी मैं इस साल जो है मध्यम किसी अनुदान में मैंने एक बोरिंग कराया 6 इंची का, मैं भी कल पड़ता हूँ, उसमें बोरिंग समर्थन लगना है। एक पावर वीडर भी मैंने सरकार से लिया, जिसमें हमको 50% का अनुदान मिला हुआ है। सरकार के प्रोत्साहन अनुदान मिलती है और वो हो रहा है और सकारात्मक है, इसमें कोई दोहराने। अभी मैं लीची के संदर्भ में मैं 3 दिन पहले CDO साहब से मिला था, सोमवार को CDO साहब ने बताया कि आप एक एक्सपोर्ट का लाइसेंस बनाइए, तो एक्सपोर्ट वाले कोई अफसर हैं सुभांशु राय बनारस में, उनसे हमारी बातचीत हुई। उसके बाद मैं कृषि विभाग अधिकारी हैं, उन्होंने भी मेरे को बताया कि बलिया में किसान एक्सपोर्ट करने वाले 3 किसान हैं, जय अरविंद सिंह हैं, सातवार के रहने, तो हमारी बातचीत हुई। कल मैं 3 कार्टून लीची बलिया से बनारस भेज रहा हूँ, जो बलिया से बनारस एक्सपोर्ट करता दुबई को, तो सैंपल बाजार के लिए जाए, वहाँ अप्रूव हो जाए तो वहाँ भी माल हमारा जा सके लीची का, बलिया का। कितने बीघे की आपकी ये बगीचा है जिसमें आप फलों की? लगभग 4.5 बीघा में हमारा आम है और 4.25 बीघा में हमारा लीची है, 3.5-4 बीघा में लीची। टोटल कितने पेड़ हैं आपके आम लीची? 200 पेड़ हैं आम के और 232 पेड़ लीची के हैं। सर, सीजन में कितना आप इनकम कर लेते हैं, सब खर्चा काट के शुद्ध बचत कितना हो जाता है? इस साल उम्मीद करता हूँ कि खर्चा वर्चा काट करके हमको 3 लाख से ऊपर होना चाहिए मेरा प्रॉफिट।
हॉस्पिटल में चला, एक सीजन में, एक सीजन के, एक साल का खर्चा बता मजदूर दूर करके, क्योंकि बगीचा मेंटेन करने के दो मजदूर हमको साल भर में, साल में छः महीने हमारे बगीचे में साफ सुथराई गुड़ाई उड़ाई के लिए लगे रहते हैं। दवा देता हूँ, गोबर की खाद देता हूँ, 10-12 टल्ले गोबर की खाद देता हूँ। इसके अतिरिक्त अगर सीजन नहीं रहता है लीची और आम का तो उसमें क्या करते हैं? उस समय कुछ नहीं हो पाता। हमारे बगीचे में लीची है, आम है, कटहल है, नींबू है और सहजन है, अमरूद है, ये सब पेड़ है जो कि निकलते रहते हैं। नींबू का गाछ निकलता है तो नीचे साल में दो बार कर लेता है। लीची को दुबई भेजने के लिए आप बात कर रहे हैं सिंपल को, आपके लीची की इस बगीचे की क्वालिटी क्या है, आपके बगीचे की लीची की? अभी हमारे पास जो तुरहा मिला हुआ है पिछले 5-6 साल से एक्सपोर्ट करते आ रहा है बम्बई का और दिल्ली के बाजार में, तो मैंने पूछा था कि तुम जो अभी देख रहे हो मुजफ्फरपुर की लीची और कलकत्ते की लीची, तो उसमें हमारा लीची कहता है, इसलिए मैंने अभी तक इस सीजन में अभी तक हमारा लीची जो है एक नंबर में जा रहा है। कौन से वैरायटी लीची की? शाही लीची है हमारे यहाँ, शाही लीची, सभी शाही लीची है। आम में लंगड़ा, दशहरी, चौसा, कृष्णभोग, दलमा, सोकोल है, मिक्स बाद बाकी और भी जैसे जैसे मिलते गए वो लगाते गया। लीची को कैसे पैकेट करके आप मार्केट में बलिया में देते हैं? मार्केट में सवाल है कि पहले तो तुरहा लोग दे देते थे जैसे थे, लेकिन इस साल जो तुरहा जो आए हैं हमारे मनोज, ये मुजफ्फरपुर से पेपर कार्टून लेके आते हैं जो कि मद्रास से प्रिंट होकर के बाई रोड आता है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर से व्यवसाय लेके करते हैं। एक कार्टून का दाम 95 रुपया से लेके 105 रुपया के बीच का पड़ता है, जिसमें पैक करके उसको भेजते हैं। एक पेटी में कितने किलो? एक पेटी में लगभग, एक पेटी में 10 केजी प्लस लीची पैक करते हैं। आज कितनी पेटियां मार्केट में रवाना की है? आज हमने पहले दिन 85 पैकेट भेजा था बम्बई, फिर दूसरे दिन 80 पैकेट भेजा था दिल्ली, फिर 32 पैकेट भेजा था नासिक जो बलिया पार्सल से गया है, और आज 127 पैकेट भेजा हूँ बाई ट्रक जो कि गोरखपुर से 10 बजे ट्रेन खुलती है बम्बई के लिए, उसमें आज लोड हो जाएगा गोरखपुर से बम्बई के लिए। कोशिश ये है कि गांव के जो भी मजदूर वर्ग है, अनस्किल जो औरतें हैं, बच्चे हैं जो गर्मियों में घूमते हैं, कोई काम नहीं होता, उनको रोजगार मिल जाए और वो हमारे काम भी हो जाए। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा मिली कि कुछ फिलॉसफी है पढ़ने से, कि इस ज़माने में 70-71 में धर्मयुग में पढ़ा था कि पृथ्वी का पीने का पानी सिर्फ 200 साल का है, 50 साल बीत गए। पहले कोई सोचा नहीं था, पहले तालाब पोखर का पानी हम पीते थे, आज नल का भी पानी पीने लायक नहीं है, पर्यावरण कितना दूषित हो गया। और मैंने पहले ही बताया कि एक पेड़ अपनी ज़िंदगी में 90 लाख का आउटपुट देता है कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी ज़िंदगी हमारे पूरे पृथ्वी के लिए जो है अभिशाप बनते चला जा रहा है, मतलब वातावरण भी शुद्ध होते जाए, वातावरण शुद्ध होगा। आप लीची के बगीचे में बैठ जाइए, आकर के 10 मिनट के अंदर आपको शरीर का पूरा पसीना सूख जाएगा। यूपी स्टार्ट न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।